हेलो गाइस, वंस अगेन बैक। आप सबका फिर से स्वागत है एक और एपिसोड का। तो गाइस, आज का जो मेरा एपिसोड है वो रिगार्डिंग शिप अकोमोडेशन, बार्ज, वेसल, जहाज का जो पहला एक्सपीरियंस है, जो मेरा एक्सपीरियंस है, उसके बारे में मैं एक छोटा सा जो उस टाइम जो मेरे साथ हुआ था उसके बारे में मैं बताऊंगा। तो कैसा रहता है शिप अकोमोडेशन, उसके अंदर क्या क्या होता है, जहाज के अंदर आप काम करने से पहले आपको क्या क्या जो प्रोसीजर्स है, क्या क्या स्टेप्स है, उसे फॉलो करना चाहिए, तो उसके बारे में एक छोटा सा वीडियो है। ज़्यादा लंबा मैं नहीं करूँगा, ऑलमोस्ट मेरे जितने भी सारे वीडियोस हैं वो मैं 10 मिनट कर रहा हूँ। ये कहानी काफ़ी लंबा है लेकिन मैं उसे कंटिन्यू करूँगा तो बोरिंग हो जाएगा, इसीलिए छोटा छोटा पार्ट करके 5 से 10 मिनट के अंदर शेड्यूल में कर रहा हूँ। गाइस, सीधा टॉपिक पे आता हूँ। अकोमोडेशन बार्ज, शिप अकोमोडेशन कहो या फिर कोई भी जहाज में, आपको पर्सनल कैसा लगता है जब आप पहली बार वहाँ पहुँचते हो? काम तो ठीक है, काम होगा, काम तो आपको करना ही है, उसके लिए ही आप लोग आए हो जहाज के अंदर। तो ये उस टाइम पे मेरा फीलिंग था। मैं अपने आप को ही वहाँ रख रहे वही 10 साल पुराना पीछे प्रीवियस करके कह रहा हूँ कि आखिर मेरा पहला मतलब कैसा मुझे एक्सपीरियंस रहा। पहली बार तो देखने पर लाजवाब, उससे पहले मैंने कभी देखा नहीं था। और ऊपर से इंटरनेशनल, कोई और कंट्री के जहाज पे आप कोई और कंट्री से आ रहे हो और कोई और कंट्री में आपको काम करना, तो कैसा एक्सपीरियंस रहेगा? तो मेरे लिए मल्टी लेवल टास्क था, काफ़ी एंटरटेनमेंट था कि यार वाह इतना अच्छा है। लेकिन बाद में जब कमर टूटा काम कर करके तो पता चला कि एक्चुअल इसके अंदर होता क्या है, क्योंकि जो मैंने एजुकेशन क्वालिफिकेशन जितना भी लिया है ना, ये सब थियरी है। असली प्रैक्टिकल, असली वर्क आपको फील्ड में ही एक्सपीरियंस होगा। वहाँ पर पैर रखने के बाद ही आपका जर्नी स्टार्ट होता है। सैलरी की बात कहूँ तो जब से आप ट्रांसपोर्ट, जहाँ से आपने निकले हो, जिस कंट्री से आप निकले हो, जिस जहाज पे आप पहुँच, मोस्टली क्या होता है, अगर जैसे ये सपोज एग्जांपल आप इंडिया में हो और इंडिया में शिप आया है, तो ठीक है, आप वहाँ जाते हो, शिप ज्वाइनिंग करते हो, आपका सैलरी स्टार्ट होता है। अगर आप ट्रैवल कर रहे हो, जिस दिन आपका फ्लाइट है वहीं से आपका सैलरी स्टार्ट होता है। कुछ कंपनी ऐसी है जो अप डाउन करती रहती है कि भाई आप लोग होटल में थे, रेस्ट थे वगैरह, था कुछ हुआ था मेरे साथ भी ऐसा भी हादसा कुछ अदर कंपनी में, अदर प्रोजेक्ट में, लेकिन फर्स्ट टाइम में ऐसा कुछ नहीं हुआ था। मैं 3 से 4 दिन कुछ होटल में स्टे था, उसके बाद वहाँ से मैं स्पीड बोट में गया और वहाँ से मैं शिप पर गया, अकोमोडेशन बार्ज में गया। कौन सा था मुझे एग्जैक्ट नाम तो याद नहीं था, लेकिन काफ़ी काफ़ी इंटरनेशनल शिप, मतलब इंडिया से तो अलग ही था। इंडियन शिप ठीक है लेकिन काफ़ी फैसिलिटीज़ के मामले में उस टाइम में बहुत डिफरेंस था, लेकिन ये शिप काफ़ी अलग था। सबसे पहले जो मेन है वो है आपका जो मस्टर पॉइंट कहते हैं, मस्टर स्टेशन। मस्टर स्टेशन मतलब कुछ भी अगर इमरजेंसी होता है तो आपको उस लोकेशन में, वहाँ पर आपको जाके पहुँचना है। वहाँ पर आपका बोर्ड में आईडी कार्ड रहेगा, उस आईडी कार्ड को आपको निकाल के दूसरे रैक में डालना है। उसमें एक ऑप्शन रहता है उस बोर्ड में, इन और आउट। अगर आप वहीं पर हो तो आप इन रहेगा, अगर आप आ चुके हैं तो बाहर कोई और मतलब फील्ड में काम करने के लिए जा रहे हो, अकोमोडेशन के अंदर नहीं हो तो आपका आउट हो जाएगा। तो ये डेली रूटीन है, डेली वो लोग चेक करते हैं। और डेली सुबह 6 बजे वर्क स्टार्ट होता है, 6 से पहले, लाइक 5:45 या 5:30, 15 से 20 मिनट का एक सेफ्टी इंडक्शन, एक टूलबॉक्स मीटिंग होता है, जहां आपको समझाया जाता है कि आपको आज क्या क्या काम है, जो भी रिस्क है, टास्क है, जो भी आपके असाइनमेंट है, जो भी जॉब का जो भी रहा, कुछ भी रहा, वो उस 15-20 मिनट में होता है। और मैं ब्रेकफास्ट वगैरह कह लेता हूँ मॉर्निंग में। हमारा उस टाइम पर जो टाइम था वो 5 से 6 था, 5 to 6, 1 आवर का ब्रेकफास्ट का टाइम था। तो उसके अंदर जो मेरा एक्सपीरियंस था काफ़ी अलग था, अलग अलग वैरायटी का, बहुत कुछ वैरायटीज, ऐसा नहीं कि भाई थोड़ा 2-3 आपको स्नैक्स मिल के निकल, नहीं, काफ़ी कुछ है। वो ब्रेकफास्ट लगता था लंच और डिनर, अगर मैं कंपेयर करूँ अपने नॉर्मल जो रहता है ना खाने के हिसाब से, तो उसके हिसाब से ये कंपनी की तरफ से प्रोवाइड किया जाता है, उसको कोई एडिशनल वगैरह चार्ज नहीं है। शिप के अंदर का यही एक बेनिफिट है कि आपको एक भी रुपए का खर्चा आएगा नहीं। अगर आप 6 महीने हो, 9 महीने हो, 1 साल भी अगर आप शिप के अंदर रुक रहे हो तो आपको खर्चा नहीं आएगा, 0 एक्सपेंस है शिप के अंदर, 0। कुछ कपड़े है ऐसे है, पर्सनल इनरवेयर वगैरह आपको लेके जाना पड़ेगा, बाकी कंपनी कवरऑल वगैरह जो बूट सेफ्टी के वो तो प्रोवाइड करता ही है। और नॉर्मल अगर आपको सोप है, स्नैक्स कुछ रहता है, कपड़े तो हम धो नहीं सकते, वहाँ का रूल ये है कि आपको जो आपका कवरऑल वगैरह है वो कंपनी ही खुद वॉश करेगा, उसके लिए लॉन्ड्री सिस्टम और लॉन्ड्री के जो भी एम्प्लॉयज स्टाफ है वो रहते हैं। तो पर्सनल थोड़ा बहुत इनर वगैरह, सॉक्स वगैरह ये सब ठीक है, कैरी लोग करते हैं, और सोप जो होता है वो भी कंपनी खुद प्रोवाइड करता है।
फिर बचा कोलगेट वगैरह। मैं उस टाइम पे नया था तो मैं तो कम साला ब्लैंकेट तक लेके चला गया था, मुझे पता नहीं था कि शिप के अंदर ब्लैंकेट भी मिलता है। तो मैं घर से जब आया था, क्योंकि मुंबई में जहाँ पर मैं स्टे करता था वो स्टेबल नहीं था, तो मैं अपना सामान कहीं पर स्टोरेज नहीं कर सकता था। तो वो रीज़न की वजह से जो भी मैं घर से उस फर्स्ट टाइम जब निकला था, जो भी लेके घूम रहा था, उसी को मैं कंटिन्यू इसके अंदर आ गया। और बाकी के जो क्रू मेंबर थे, चार जोड़ी कपड़ा, इनरवेयर, अंडरवेयर, और कुछ लोग तो सोप वगैरह भी लेके आते थे, कुछ मेडिकल या फिर कोई आयुर्वेदिक टाइप का। बाकी इंटरनेशनल जो भी लेवल में कंपनी सब कुछ प्रोवाइड करता है, हर हफ्ते आपको सामान मिल जाएगा और आपको कुछ स्नैक्स भी मिल जाएगा। टेबल आपके जो बेड पे है, इवनिंग हर हफ्ते में रख देते थे स्नैक्स कि भाई आप स्नैक्स भी खाओ, को टेंशन मत लो, एकदम फ्री। खाने पीने के मामले में एकदम सुपर कंडीशन है। और उसके बाद आता है लंच। लंच में बुफे टाइप का लंच, हर एक वैरायटी, नॉन वेज हो, वेज हो, सूप हो, फ्रूट्स हो, सलाड हो, काफ़ी ऐसा लगता था कि पहली बार जब मेरा व्यू था तो ऐसा लग रहा था कि कोई शादी माहौल हो, शादी या कोई पार्टी का माहौल हो, वहाँ पर आप गए हो। तो ऐसा मेरा फीलिंग था जब मैं पहली बार देखा था, क्योंकि मैंने कभी कोई भी अलग कंट्री में ऐसा कुछ देखा नहीं था। और काफ़ी अलग अलग कंट्री के वैरायटीज होते थे, ऐसा नहीं कि भाई इंडियन है तो इंडियन ही मिलेगा, हर एक कंट्री का था। और एक्सपीरियंस यही है कि आप कहीं पर भी कंट्री में ट्रैवल करो, आपको अगर अलग अलग कंट्री का फूड टेस्ट करने को फ्री में मिल रहा हो तो उससे बड़ा बड़ी बात क्या है। फिर वो हो गया डिनर, बफे का भी डबल है डिनर, उससे भी ज़्यादा वेराइटी, उससे भी ज़्यादा टेस्टी। खाना पीने के मामले में अकोमोडेशन जो शिप, जो जहाज़ प्रोवाइड करता है वो 5-स्टार फैसिलिटी है। एक साइड एग्जांपल अलमारी है, तो अलमारी में पूरा जूस भरा हुआ है, एक छोटा सा साइड में वाटर बॉटल्स है, और भी एक सारे फ्रूट्स है, काफ़ी कुछ है अलग अलग साइड में है। और कहीं शिप में तो मैंने ऐसे भी ऑब्जर्व किया हुआ कि खुद जो क्रू मेंबर है, वहाँ पर एक स्टाफ रहता है और मेस का, हॉल का, वो खुद सर्व करते हैं। आपको बस वहाँ जाके ऑर्डर देना है कि भाई मुझे ये चाहिए, तो वो तुरंत बना के दे देते हैं, जितना पॉसिबल है। कुछ और ऐसा ही ना मांग लो कि उसको बनाना ना पड़े, तकलीफ हो। तो कुछ ऐसा नॉर्मल चीज़ है, रूटीन है, जो ईजिली बन जाए, टोस्ट वगैरह हो गया, कुछ ब्रेड सैंडविच वगैरह हो गई, ये तो बहुत सिंपल है। और भी अगर वहाँ मेनू में कुछ स्पेशल रहा तो वो लोग बना के देते, नहीं तो बाकी तो उनके जो डेस्क है उसके अंदर ऑलमोस्ट सारे वैरायटीज रहते थे। तो ये डिनर का काम हो गया। फिर हो गया कोल्ड ड्रिंक। मैंने तो एक कैन का जो कोल्ड ड्रिंक है वो कभी अपने टाइम में जॉब करने से पहले मैं नहीं पीता था, क्योंकि बहुत एक्सपेंसिव था। तो ये चीज़ फोकर में फ्री में मिलता था, तो काफ़ी मैंने पिया। और अलग अलग कंट्री का मैंने कोक हो गया, पेप्सी हो गया, तो ये स्प्राइट हो गया, अलग अलग कंट्री का मेड जो मैन्युफैक्चर होता है वहाँ का पिया, और काफ़ी अलग अलग टेस्ट था, वो मेरा पहला एक्सपीरियंस था। तो ये सब हो गया बारिश का, अकोमोडेशन का, इनसाइड का फैसिलिटी, बाथरूम वगैरह जो है वो अटैचमेंट होता है, कॉमन बाथरूम भी होता है, जिम भी होता है फिटनेस के लिए। अगर आप फिटनेस फ्रीकी हो तो आप जाके फिटनेस वगैरह कर सकते हो, लेकिन आपका जॉब पीरियड है 5 से 6, तो 5 से पहले अगर आप उठते हो तो जाके जिम कर सकते हो। ऐसा नहीं कि भाई ना मुझे काम करना है, ये करना है, वो करना है। शिप का जो काम है वो 12 घंटे का रहता है, कभी लाइक मॉर्निंग 6 to evening 6 तक, या फिर evening 6 to morning 6 तक। अगर आप शाम के काम से ख़त्म होके आ रहे हो, अगर आप 12 घंटे काम खत्म करने के, वर्क कंप्लीट करने के बाद आपके पास एनर्जी है, तो बात लेने से पहले आप जिम में जाइए, सारा फैसिलिटी रहेगा। और एक छोटा सा हॉल भी रहता है, बिल्कुल एक मिनी थिएटर का, मैं उसे छोटा गलती से बोल दिया, छोटा भी नहीं है, बिल्कुल मिनी थिएटर जैसा एक हॉल रहता है। उसके अंदर आप एक पिक्चर का अनुभव कर सकते हो, एक फिल्म देख सकते हो, ऐसा एक अनुभव कर सकते हो। हाँ, सिग्नल्स नहीं मिलेंगे काफ़ी, मैंने इंटरनेशनल में देखा है सिग्नल्स नहीं मिलते, कुछ लिमिटेड होता है, कुछ सैटेलाइट से कनेक्ट होता है। अगर आपके पास पेन ड्राइव है, सीडी, उस टाइम पे तो सीडी कैसेट, पेन ड्राइव में बहुत कम होता था, सीडी कैसेट में ज़्यादातर उस टाइम डीवीडी प्लेयर वगैरह में यूज़ करते थे, और उसके अंदर ही काफ़ी कॉफ़ी बनाने का, फिर काफ़ी अटैच वॉशरूम वगैरह, बहुत ही अच्छा फैसिलिटी था। तो ये मेरा पहला एक्सपीरियंस था उस टाइम पे। ये सब कुछ हो गया। फिर स्मोकिंग जोन है, क्योंकि आप रूम के अंदर स्मोक नहीं कर सकते, हर एक शिप के अंदर हर एक एरिया में स्मोक डिटेक्टर है, वो कैच कर लेता है। तो आपको एक अलग से एक रूम दिया गया है, वहाँ जाके आपको स्मोक करना है। अगर वहीं से आप पकड़े जाते हो तो आपको पेनल्टी फाइन वगैरह, पेनल्टी फाइन यही है कि निकाल दिया जाएगा और कुछ नहीं। वार्निंग दे के, एक दो बार वार्निंग होता है, तीसरी बार वार्निंग नहीं होता है, सीधा सीधा निकाल देते हुए। ये मत सोचो कि भाई यहाँ सैलरी कटेगा एक दिन दो दिन का, ऐसा कुछ नहीं है, सीधा टर्मिनेट कर दो। वहाँ का रूल ऐसा है, पॉलिसी अगर आप फॉलो नहीं करोगे तो निकाल दो। फिर लॉबी वगैरह होता था, वहाँ कुछ जोन्स दिए जाते थे स्मोकिंग करने के लिए। तो बाहर स्नैक और टी के टाइम पर लोगों के जो भी काम करने की, 12 घंटे काम करते हैं और टेम्परेचर काफ़ी माइनस या ठंडा कूल रहता है मोस्टली, डे में, दोपहर में तो काफ़ी गर्मी है, लेकिन मॉर्निंग और इवनिंग टाइम में काफ़ी
माइनस तक डिग्री में चला चुका है, वहां तक मैंने काम कर चुका हूँ, तो इतना कोल्ड रहता है। इसके लिए लोग स्मोक वगैरह ज्यादातर शिफ्ट में यूज करते हैं, और कुछ कंपनी रहता है अल्कोहल, अगर अल्कोहल अलाउड है शिफ्ट के अंदर तो वो लोग प्रोवाइड करते हैं, लिमिटेड है जिसके अंदर वो इसका जो क्या बोलते हैं यार जो वॉल्यूम रहता है ना, मुझे एक्सेप्ट मालूम नहीं क्या है, लेकिन वॉल्यूम जो रहता है वो कम होना चाहिए ताकि सर पे ना चढ़े, और स्मोक वगैरह भी कुछ जगह पे देते हैं, नहीं तो फिर आप अपना कैरी करके भी लेके आ सकते हो। और वहाँ पर कैम्बोस रहता है वो भी कुछ प्रोवाइड करता है, उसका मुझे ज़्यादा मालूम नहीं है क्योंकि अपने टाइम के पीरियड में काफ़ी टाइम हो गया, मुझे इतना याद नहीं है। तो फिर ये अंदर का रूटीन है, अंदर का है पूरा जो भी शिफ्ट का अंदर, हर एक शिफ्ट में ऐसा ही रहता है। फिर आप काफ़ी वीडियोस यूट्यूब पे सर्च करके देख सकते हो, अलग अलग शिप का अलग अलग प्रोवाइड किया जाता है अकोमोडेशन, काफ़ी क्रूज में देखा तो काफ़ी फाइव स्टार फैसिलिटी है, लेकिन जो वर्क फील्ड है उसका अलग है फैसिलिटी, उसके बारे में मैंने अभी के वीडियो में आपको एक्सप्लेनेशन कर दिया है। अब वो पूरा एक दिन तो मेरा पूरा रेस्ट में चला गया जब मैं पहली बार शिप में गया था, अब सेकेंड डे से मेरा एग्जैक्ट काम स्टार्ट होता है। उस काम में क्या क्या करना है उसका परफेक्ट वीडियो मैं अगले सेशन में बनाऊंगा। फर्स्ट जॉब एग्जैक्ट मेरा काम क्या था, वर्क कैसा कंडीशन था, क्या क्या मुझे काम करना था, मैं क्या सोचा था और मैं क्या कर रहा हूँ, कैसे मेरा लाइफ गया, मैंने क्या क्या एक्सपीरियंस दिया, वो सब का मैं वीडियो नेक्स्ट पार्ट में बनाऊंगा। तो वंस अगेन थैंक्स फॉर वॉचिंग माई दिस वीडियो एंड प्लीज सब्सक्राइब लाइक एंड शेयर। सो बाय, टेक केयर।